दोस्तों इस समय मुनव्वर फरूखी को आखिर कौन पसंद नहीं कर रहा है और कौन है जो भाई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। फिलहाल मुनव्वर जो है वो एक सोशल मीडिया का बोलते हैं ना कि भाई टॉपिक बन चुके हैं जिस पर हर कोई डिस्कशन करता है। मुनव्वर ने अपने गाने में हाल फिलहाल ये लाइन भी कही थी कि नहीं पिता मैं लिखकर लेकिन हर महफिलों में होता मेरा जिक्र, जो कि बात बिल्कुल सही है। हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर महफिल में मुनव्वर का जिक्र तो हो ही रहा है। और अगर आप ये भी नोटिस करेंगे कि भाई जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं या बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज अगर आजकल स्पॉट हो रहे हैं तो उनसे मुनव्वर के रिलेटेड एक ना एक सवाल तो पूछा ही जा रहा है, जो दर्शाता है कि मुनव्वर का इस समय क्या दबदबा है। लेकिन दोस्तों बहरहाल अगर मैं एक बात करूं तो मुनव्वर का जो गाना आया था धंधो, उस पर एक सरप्राइज उनको मिला, जो कि भाई बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके गाने पर कोई ऐसे जगह से रिप्लाई आए जो कि भाई कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ड्रीम होता है, या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से रिप्लाई आए जिस पे आपका गाना है, तो भाई ये चीज़ पता लगती है कि आपका गाना सच में नोटिस हो रहा है, आप नोटिस हो रहे हैं और इसी वजह से आपको रिप्लाई मिल रहे हैं। फिलहाल अगर आपको बताऊं तो मुनव्वर का जो गाना आया था धंधो, भाई उस पर कमेंट आया है यूट्यूब इंडिया का, मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हो ये कमेंट है, ये गाने जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है इसमें यूट्यूब इंडिया ने कमेंट किया है, सुन रहे हैं हम बैठे अपने सीट पे इन बीट्स को रिपीट पे। जिसके बाद दोस्तों इसको किसी ने शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर ये भी लिखा है, यूट्यूब एंजॉयड धंधो एंड कमेंटेड, थैंक यू यूट्यूब इंडिया, मुनव्वर के सॉन्ग और यूट्यूब कमेंट ना करे ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। और ये बात लगभग लगभग सही है, मुनव्वर के जितने गाने हैं या कोई स्टैंडअप भी आता है तो यूट्यूब इंडिया भाई किसी ना किसी तरीके से उस पर कमेंट कर ही देता है या उसको शेयर कर ही देता है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।